नमस्कार। सो एक अपडेट आया है, कल एनटीए ने निकाला है मणिपुर के स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे कि हम जानते हैं कि मणिपुर में जो इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मणिपुर के बच्चे नीट एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे और वो इस प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो एनटीए ने नोटिस निकाला है कि अब वो 3 से 5 मई के बीच में एग्ज़ाम लेंगे, अभी डेट फाइनल होनी है, सॉरी 3 से 5 जून के बीच में। और वो लोग मणिपुर के बच्चों के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है, वैसे ये जनरल स्टेटमेंट आई है क्योंकि मणिपुर के बच्चों को सीयूटी के लिए भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सीयूटी भी एनटीए कंडक्ट कराता है। बट फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं नीट की, और नीट यूजी की उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के, मतलब कि दे विल बी गिवन एन ऑप्शन, और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं मणिपुर के आसपास, मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल, नागालैंड की कैपिटल दीमापुर, मेघालय की शिलोंग, असम की गुवाहाटी, इसके अलावा असम में 2 और सिटी दी हैं, जोरहाट और सिलचर, फिर कैलकटा जो फ्लाइट से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर दिल्ली, बेंगलोर और इम्फाल। खुद भी अभी कोशिश करेंगे लोग कि इम्फाल में टेस्ट को करवाने की। और ये जो एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन होगा जो कि मणिपुर को चेंज करना है, ये आज सुबह 7 बजे से लेकर 30 मई तक चला गया है, और जो भी मणिपुर के बच्चे थे उन सबके मोबाइल नंबर पे ये आया है, और IVRS के थ्रू, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू वो लोग अपने शहर के ऑप्शन बताएंगे। तो मतलब नीट का फॉर्म नहीं ओपन होगा, बट ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए मणिपुर के बच्चे फॉलो कर ही होंगे, लेकिन शायद जो बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि चूँकि पेपर ही 5 जून को होगा, तो हम जो उम्मीद लगा के चल रहे थे कि जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं आएगा। और अब मान के चलिए कम से कम, क्योंकि एग्ज़ाम होगा उसके बाद, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कम से कम शायद मिड या लेटर पार्ट ऑफ जून, मतलब 20 जून के आसपास ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब नीट यूजी का रिज़ल्ट आएगा, इन सब को देखते हुए। और जैसा कि हवा है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है वो शायद 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नीट यूजी की काउंसलिंग अगर रिज़ल्ट ही 20 जून को आएगा तो बहुत जल्दी भी चलेंगे, तो फिर से जुलाई का फर्स्ट वीक आ ही जाएगा। जो कि देखिए मैं आपको बताऊँ, जो लोग पहली बार या इस साल जिनके बच्चे बड़े हुए हैं, कोविड आने से पहले 2019 तक सब कुछ सिस्टम से चलता था, फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे ऑफ मई में पेपर होता था, फर्स्ट संडे ऑफ जून में रिजल्ट आता था, जुलाई के फर्स्ट वीक में पक्का स्टार्ट होती थी काउंसलिंग, अगस्त एंड तक ख़त्म, और सितंबर में आप अपने कॉलेजेस ज्वाइन कीजिए ताकि भाई सितंबर से नवंबर फर्स्ट सेमेस्टर, फिर विंटर ब्रेक और फिर सेकेंड सेमेस्टर और फिर समर ब्रेक। और पिछले 2-3 साल से तो बहुत लेट चल रहा है, 20, 21 और 22 का सेशन, 23 का सेशन देखिए अभी तक सब कुछ समय पर चल रहा था, 12th के एग्ज़ाम, नीट का पेपर। बट आई थिंक इस मणिपुर के इशू की वजह से फिर भी हम कम से कम 15 दिन लेट हो जाएंगे, एंड आई होप कि जो काउंसलिंग 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी वो 15 जुलाई से लेट ना हो, और जो एजुकेशन भी है वो भी जो सितंबर से शुरू होता था वो अक्टूबर से ज़्यादा लेट ना हो। लेकिन फ़िलहाल तो इस नोटिफिकेशन से सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिज़ल्ट होगा हमारा एक्चुअल, इट विल फर्दर बी पोस्टपोन्ड। और आंसर की तो हमेशा रिज़ल्ट से 5-6 दिन पहले ही आती है, तो इन लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं दी है एनटीए ने, और जैसा मैंने कहा इन्हें वो ज़रूरत भी नहीं है देने की, तो जब भी आएगी पता चल जाएगा। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, कीप वेटिंग एंड विल कीप इन टच। बाय बाय।